आप सभी भक्तों का आज के उत्सव के दिन हार्दिक स्वागत है। आज का ये विशेष दिन श्रीमती राधा रानी के कुंड का आविर्भाव और श्यामा कुंड का आविर्भाव का दिन है। इसके बारे में एक 5 मिनट मैं आपसे जो है कुछ बताना चाहूँगा, जो शील रूप गोस्वामी राधा कुंड के बारे में बताते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, मतलब वो बता रहे हैं जो मथुरापुरी है, मथुरा जो नगर है वो वैकुंठ लोक से भी उच्च है, इस भौतिक संसार से ऊपर भगवान का आध्यात्मिक संसार आता है। आध्यात्मिक संसार में भी वैकुंठ लोक से भी ऊपर, उससे भी उत्तम जो है मथुरा है। वो क्यों है? क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण, उन्होंने मथुरा नगरी में जन्म लिया। आगे रूप गोस्वामी कहते हैं, लेकिन मथुरापुरी से भी, उससे भी उत्तम जो है भगवान का धाम वृंदावन है, क्योंकि भगवान की सारी बाल लीलाएं, भगवान की रास लीला, ये सब वृंदावन में घटी थी। लेकिन वृंदावन से भी उत्तम जो है गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि भगवान के दिव्य हाथों के द्वारा गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया था अपने भक्तों को सुरक्षा देने के लिए। और यहां पर भगवान के अन्य प्रकार की लीलाएं गोवर्धन पर्वत के ऊपर घटी थी। और गोवर्धन पर्वत पर, गोवर्धन पर्वत पर जो स्थित राधा कुंड है वो इन सब में उत्तम है। तो वैकुंठ लोक से ऊपर मथुरापुरी, मथुरापुरी से ऊपर भगवान का वृंदावन धाम, वृंदावन धाम से भी उत्तम भगवान का गोवर्धन पर्वत, और गोवर्धन पर्वत पर स्थित जो राधा कुंड है वो पूरे संसार के अंदर में सबसे उत्तम जगह मानी जाती है। श्री राधा कुंड श्याम कुंड की। आगे बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी, क्योंकि राधा कुंड जो है भगवान के प्रेम से भरा हुआ है। जिस प्रकार से एक सरोवर है, एक नदी है, वो पानी से भरी होती है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी पानी नहीं होता है। राधा कुंड का सरोवर का जो पानी है वो भगवान का प्रेम स्वयं है। तो राधा कुंड और श्याम कुंड भगवान के प्रेम से भरे हुए हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, वो कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो राधा कुंड और श्याम कुंड उनकी सेवा नहीं करना चाहेगा? ये समझने के पश्चात आगे वो कहते हैं, शास्त्रों में कहा है, जो व्यक्ति अनेकों प्रकार के भौतिक कार्यों में लगा है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में फ्रूटिव वर्क, मतलब हम कर्म करते हैं, कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं। इससे ऊपर होता है वो व्यक्ति जो ज्ञान में थोड़ा बड़ा हुआ है, भौतिक जो कार्यों में लगा है, अनेकों प्रकार के फ
फलों को भोगता है इस भौतिक संसार में, उससे उत्तम है वो व्यक्ति जो ज्ञान में अग्रणी है, जो ज्ञान में बड़ा है। लेकिन इन सबसे उत्तम वो व्यक्ति है जो कृष्ण प्रेम से भरा है, जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम का संचार है वो व्यक्ति इन सबसे उत्तम है। और इन सभी भक्तों में से जिनके मन के अंदर में, जिनके हृदय के अंदर में प्रेम का संचार है, गोपियां इन सब भक्तों में अति उत्तम हैं। और इन सभी भक्तों में गोपियां उत्तम हैं, और इन सब गोपियों में से श्रीमती राधा रानी सबसे उत्तम है। श्रीमती राधा रानी की जय। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार, जिस प्रकार से भगवान को श्रीमती राधा रानी अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान को श्रीमती राधा रानी का कुंड, राधा कुंड अत्यंत प्रिय है। तो ये बड़ा ही महान जगह है, वृंदावन में है, और उसका आविर्भाव, राधा कुंड का आविर्भाव आज के शुभ दिन है। तो हम इस शुभ दिन श्रीमती राधा रानी से ये प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान की प्रेम भक्ति जो अत्यंत अमूल्य है, जिसको प्राप्त करने के लिए भक्त लोग जीवन के ऊपर जीवन बिता देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम योग्य हो या अयोग्य हो, लेकिन अगर किसी न किसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी को अगर हम संतुष्ट कर सके, उनको प्रसन्न कर सके, तो हम योग्य हो अयोग्य हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर श्रीमती राधा रानी हमसे संतुष्ट हो गई तो भगवान ऑटोमेटिकली नेचुरली हमसे संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, आज भी वृंदावन में अगर आप जाते हैं तो लोग डायरेक्टली कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करता है, सब पहले श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं अगर श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई तो ऑटोमेटिकली कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वृंदावन में प्रभुपाद जी कहते हैं आप कहीं पर भी जाइए, यहाँ तक कि तांगे वाला, रिक्शा वाला भी जो है राधे राधे बोलता है, क्योंकि वो सब श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम भी उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि राधा रानी को, कृष्ण को राधा कुंड अत्यंत प्रिय है, और आज अत्यंत शुभ दिन है और उनका प्राकट्य हुआ है, तो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी लेश मात्र कृपा भी अगर हमारे जीवन के अंदर में आई तो हमारा जीवन प्रेम से भर जाएगा और सफल हो जाएगा। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री कृष्ण भगवान की, राधा कुंड श्याम कुंड की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।